ये पढ़ेंगे। इसके पिछले कक्षा में आप लोग घर से संबंधित एक चित्र कथा पढ़े थे जिसमें सिर्फ चूहे की ही कहानी थी, ठीक है। आज हम लोग घर में हमारे साथ रहने वाले अन्य विभिन्न तरह के जीव जंतुओं के बारे में भी पढ़ेंगे कि हमारा घर सिर्फ हमारा घर नहीं होता है, हमारे घर में और भी जीव जंतु हमारे साथ रहते हैं। तो एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि माँ, ये घर जो आप हमेशा हमें बोलते हो कि ये घर जो है हमारा घर है, लेकिन ये सिर्फ हमारा घर नहीं है, हमारे घर में हमारे सिवा और भी जीव जंतु रहते हैं। जैसे हमारे घर में कई सालों से कई चूहे रहते हैं हमारे साथ, और ये चूहे हमारे घर में एक जगह से दूसरे जगह क्या करते हैं, विचरण करते हैं। दूसरे हमारे घर में बहुत सारे मच्छर हैं, ये मच्छर भी हमारे साथ ही हमारे घर में रहते हैं, जो कि एक रूम से दूसरे घर में क्या करते हैं, पलायन करते हैं। तीसरा, हमारे घर में मकड़ियां दीवारों पर जाला बनाते हैं और उन जालों में वो मस्त होकर पड़े रहते हैं। हमारे घर में इसके साथ ही साथ छिपकलियां भी रहती हैं, जो कि दीवारों पर रेंगती हुई एक कमरे से दूसरे कमरे में जाती हैं। तीसरी, चौथी, जो कि हमारे पास जो चींटियां हैं, वो चींटियां भी क्या करती हैं, हमारे घर में एक जगह से दूसरी जगह कतारें बना बना के जाती है साथ में। और इसके सिवा हम जैसे मैं और मेरी दीदी जिस तरह से घर में किसी भी चीज के लिए लड़ते हैं, इसी तरह हमारे घर के आंगन में देखो माँ, कई चिड़ियां आकर ये भी क्या कर रहे हैं, आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तो कैसे बोलो माँ कि ये घर हमारा अकेले का घर हो सकता है, हमारे अकेले का घर ये नहीं है, क्योंकि ये जो जीव जंतु हैं वो हमारे साथ कई वर्षों से रह रहे हैं और हम उनके साथ निवास करते हैं, तो इन सभी जीव जंतुओं का भी ये घर है, तो हमारा घर अकेले का नहीं है। तो इस जो कविता से हमें क्या नैतिक शिक्षा मिल रही है, इस कविता से हमें ये नैतिक शिक्षा मिल रही है कि सिर्फ घर हमारा ही नहीं होता है, जीव जंतुओं का भी अपना घर होता है, जो हमारे साथ निवास करते हैं वो भी हमारे साथ ही रहते हैं। इस पाठ में कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे पकड़न पकड़ी, इसका मतलब होता है, इसका अर्थ है एक प्रकार का खेल। दूसरा कठिन शब्द जो है वो है मस्त, मस्त का मतलब होता है बिंदास। तीसरा कठिन शब्द है गस, गस का मतलब होता है इधर उधर घूमना। और कतारे, इसका मतलब होता है एक पंक्ति में जाना। झगड़ना, इसका मतलब होता है लड़ाई करना, जो कि ये सब हमारे पाठ के अंतर्गत आ रही है। अब प्रश्न ये उठता है कि दीवारों पे कौन रहता है हमारे घर में, तो दीवारों पे छिपकलियां रहती है। घर में कौन मस्त होकर पड़ा रहता है, घर में मकड़ियां जालों में मस्त होकर पड़ी रहती हैं। तो ठीक है बच्चों, हम अगले क्लास में फिर आपसे मिलते हैं।